ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, 4 जुलाई 2023 सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और इस पर कई अद्भुत और चमत्कारिक संयोग बन रहे हैं, क्योंकि ये सावन का महीना इस बार पूरे 2 महीने का होने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी जिंदगी में गरीबी, बीमारी और असफलता से परेशान हैं, तो ये सावन का महीना आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, इस पवित्र महीने के शुरू होने से पहले घर पर ले आइएगा ये छोटी सी चीज, चमत्कारिक और असरदार चीज। आपके जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी हाथों हाथ मुक्ति और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन संसार में होगी धन की वर्षा और आप बन जाएंगे करोड़पति। इससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, वर्षों बाद ऐसा मौका मिलता है जब आपकी सभी परेशानियां चुटकियों में हल हो जाती हैं, और ये वही मौका है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 जुलाई 2023 को सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। इस पर सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने चलने वाला है। इस बार सावन के महीने में 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे और ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 19 साल बाद आया है। और इस दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से, पूरे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करेंगे, तो आप अपने जीवन में कैसी भी परेशानियां हो, कैसे ही संकटों का सामना कर रहे हो, हर प्रकार की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप 4 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले शिव पुराण के अनुसार वो गुप्त चीजें अपने घर पर लाकर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का उस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, कितनी भी बड़ी परेशानियां हों, हर प्रकार के कष्टों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और इन चीजों को अगर आप सावन के पवित्र महीने से पहले ला करके घर पर स्थापित करेंगे, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भाग्य बदलने की 2 उपाय बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। बात करें पहले उपाय की, तो दोस्तों, यदि आपके मान सम्मान को किसी से हानि पहुंचती है, या आपको किसी से नुकसान पहुंचने वाला है, या आपको कोई मुकदमा जीतना है, तो आप सावन में किसी भी दिन शिवलिंग में 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद अपनी 3 उंगलियों से चंदन का टीका लेके शिवलिंग पर 3 उंगलियों से सीधी लाइन बाएं से दाएं की तरफ खींच के अब उन्हीं उंगलियों से उस चंदन के टीके को अपने माथे पर लगाएं। आप देखेंगे कि आपका वो रुका हुआ काम अचानक ही बनने लगेगा। दोस्तों, पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं करता है और वो सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित ही कर देता है, उसको पूरे साल की पूजा का पुण्य मिल जाता है। उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसी प्रकार से सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ के प्रत्येक सोमवार को पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। लेकिन महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया, इस दौरान भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर आप इस दौरान भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करेंगे, शिव पुराण के अनुसार उन चीजों को घर पर लेकर स्थापित कर लेंगे सावन के पवित्र महीने से पहले, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके बाद आपको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आएगा
और अपने जीवन काल में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपके सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने भर से प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बार अगर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया तो मान के चलिए साक्षात्काल भी आ करके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको दुखों का सामना न करना पड़े, आपके जीवन में हमेशा आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के पवित्र महीने में करके आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं, वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से आपको बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने घर पर लानी है वो है बेलपत्र। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही अधिक प्रिय होता है और ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बेलपत्र जो होता है वो 6 महीने तक बासी नहीं होता है। 6 महीने तक रखा हुआ बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप चाहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में पूजा पाठ करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों एक काम कीजिएगा, 4 जुलाई 2023 से पहले आप लोग 108 की संख्या में बेलपत्र तोड़ करके ले आइएगा। इसको लेकर अपने घर पर जो पूजा घर है, पूजा घर में जो भी आपके ग्रंथ रखे हुए हैं उसमें 108 बेलपत्र को दबा करके आप रख दीजिएगा। सावन महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है, 31 अगस्त 2023 के इसका समापन होगा। प्रत्येक दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र को हमेशा 3 पत्तियों की संख्या में ही चढ़ाएं। और ध्यान रखिएगा बेलपत्र का नुकीला सिरा भगवान भोलेनाथ की तरफ करके ना चढ़ाएं। दोस्तों अगर आपने इतनी पूजा पाठ इस तरीके से कर ली जैसे हमने आपको बताया है, तो मान के चलिए दोस्तों आपके कैसी भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। अब आपको 108 बेलपत्र तोड़ने क्यों हैं ये भी जान लीजिए। जैसा कि सावन का महीना शुरू होगा दोस्तों, बेल वृक्ष जो होगा उससे सारे बेलपत्र गायब हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो बेलपत्र तोड़ते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बेल वृक्ष होता है उसके जड़ में स्वर्ग वास करता है और बेल वृक्ष के बेल पत्र में भगवान भोलेनाथ का वास है। बेल वृक्ष के मध्य में माता पार्वती जी का वास है। और अगर आपने ये उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, मान के चलिए आपको ब्रह्मांड की महा सर्व शक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी जो चीज आपको अपने घर पर लानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो वो चीज है शिव पुराण। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों के पास तो शिव पुराण है और बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके घर पर शिव पुराण नहीं है तो एक काम कीजिएगा, 4 जुलाई 2023 सावन शुरू होने से पहले एक शिव पुराण लाइए, अपने घर पर स्थापित कर लीजिए। आपको सावन के प्रतिदिन यही करना है कि शिव पुराण की थोड़ी सी पूजा करनी है और सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को इस शिव पुराण के थोड़ा सा अध्याय पढ़ लेना है। अगर आपने इतना भर कर लिया तो मान लीजिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। दोस्तों आपको शायद ये बात पता ना हो लेकिन आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। देखिए जब भी आपकी उन्नति होती है या आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त रिश्तेदार नातेदार आपके शत्रु बन जाते हैं और वो आपके ऊपर काला जादू, काली विद्या, तंत्र, कुछ शक्तियाँ ऐसी करवा देते हैं जिससे आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इन तरीके की नकारात्मक शक्तियों से, बुरी ताकतों से आप बचे रहे, तो आपको क्या करना है? देखिए बस आपको ये करना है कि सावन के इस पवित्र महीने को शुरू होने से पहले आपको एक पीतल का त्रिशूल ला करके अपने पूजा घर पर स्थापित करना है।
प्रत्येक सोमवार को इसकी पूजा करनी है। अगर आपने ये उपाय कर लिया इस सावन महीने के शुरू होने से पहले, दोस्तों आपके लाखों शत्रु खड़े हों आपके खिलाफ, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ अगर किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो उसका साक्षात्काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता रहे, आपके जीवन में धन की कभी भी आपको कमी ना हो, तो सावन के इस पवित्र महीने के शुरू होने से पहले आपको बस ये करना है कि एक डमरू लाना है और अपने पूजा घर पर स्थापित कर लेना है। देखिए दोस्तों, डमरू जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, और अगर आप प्रत्येक सोमवार को इस डमरू को धूप दिखाते हैं तो मान लीजिए सदैव आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा मिलती रहेगी और आपके जीवन में कभी भी धन और धान्य की आपको कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए दोस्तों, आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप उस बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, उस बीमारी का इलाज करा करके थक चुके हैं, तो आपको एक बात बता दें कि भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही प्रिय है। 4 जुलाई 2023 से पहले आपको भस्म लेकर के आनी है और इसी भस्म को भगवान भोलेनाथ को सावन के हर प्रत्येक सोमवार को आपको लगाना है। अगर आपने इतना उपाय सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को कर लिया तो आपकी कितनी बड़ी बीमारी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके जीवन में काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है, एक पीतल का नाग और नागिन का जोड़ा खरीद करके लाना है, अपने घर के मुख्य द्वार के पास इसको स्थापित कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अगर हो सके तो नाग नागिन का जोड़ा आप ला रहे हैं वह चांदी का ले आइए, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है दोस्तों, आप लोग पीतल का भी ला सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके घर पर वास करने आए, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको एक काम करना होगा। देखिए, सावन के पवित्र महीने के शुरू होने से पहले गंगा जल खरीद करके ले आइएगा। पूजा घर में गंगा जल मिल जाता है, और जब भी आप सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को अपने घर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। उसी के बाद आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कीजिएगा। अगर आपने इस तरीके से ये उपाय कर लिए तो आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी को सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।